الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. हेलो, आज तो ईद है, ईद लिए पैसा वैसा रख ले बड़े ढंग से। हाँ ठीक है, लिया वो आ जा चल। ठीक ठीक है। भाई कहाँ से आए हो? अरे कुछ ना यार, मॉल वॉल गए, शॉपिंग वोपिंग करी, और ये देख ले यार, शॉपिंग वोपिंग करी, होटल वोटल में खाना खाया, और तो पता फिर मूवी को प्लान बन, वो मूवी भी देखी है। पैसा खर्च होगा 10-12 हजार, पर मजा ना आया कसम, मजा ही ना आया यार। मजा ही ना आया। पर तुम बता, तुम कैसे खुश से दिख रहे हो, बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, कुछ तो बात है भाई। बहुत अच्छी बात है, आप मॉल गए, आप होटल में खाना खाने गए और शॉपिंग करी, मूवी देखी, लेकिन असली खुशी इन कॉमन में ना मिली। असली खुशी है आप मॉल जाने के बजाय गरीब बच्चों को ईद देते। असली खुशी है आप होटल में खाना खाने के बजाय अपने परिवार के साथ खाना खाते, किसी जरूरतमंद की पूर्ति मदद करते, मदद करते। भाई जो खुशी बड़े 5-स्टार होटल में नहीं मिलती ना, वो घर की चटाई पर बैठ के खाना खाने में मिलती है। और इस बार पेड़ जरूर लगाएं, और आपने आस पड़ोस में कहें पेड़ हद से हद लगाएं। भाई हर ईद पे आप कोई ना कोई ऐसा काम करो जो आने वाली सदियों तक याद रखा जा सके। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम एक पेड़ लगाओ, क्योंकि आज आपका लगाए एक पेड़ सदियों तक लोगों को छांव देता रहेगा, फल देता रहेगा। और भाई कहा सुना, माफ करना। यार बात तो बहुत बढ़िया बोले यार, आज से हम भी यार ये फिजूल की खर्चे यार बेकार, अपने गरीबों की मदद करो, पेड़ वेड़ लगाएंगे। सही बात बोले यार, बहुत बस आज यूं लगा ले। चल यार औरन को बताएंगे अब बात। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं।
गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने आस पड़ोसियों का ख्याल रखें और MBS मॉल या फिर किसी भी बड़े मॉल में जाने के बजाय अपने आस पड़ोस से सामान खरीदें, ताकि हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उन सब की भी ईद मन सके। और गाइस इस ईद पर एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी छांव मिल सके। खुदा मुबारक। ओके बाय टाटा। और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।